दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ नकारात्मक शक्तियां हैं, आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, कोई ना कोई दोस्तों आपके घर में बिस्तर पर पड़ा ही रहता है, तो दोस्तों आपको मोरपंख किसी भी स्थान की बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीज़ों के प्रभाव से बचाकर रखने की क्षमता रखता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के वास के लिए घर में मोरपंख लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, मोर के पंख का इस्तेमाल करके भूत, नजर दोष, रोग मुक्ति और ग्रह दोष जैसी समस्याएं कभी भी आपके घर में नहीं आती है। अगर किसी को नजर दोष होता है तो भी अगर आप घर में मोर पंख लगाते हैं तो नहीं होगा, रोग मुक्ति और ग्रह दोषों जैसी कई समस्याओं से निपटा जा सकता है। दोस्तों, मोर पंख का इस्तेमाल पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक होता है। विद्यार्थियों की पुस्तकों के बीच में मोर का पंख रख देना चाहिए। इसके साथ ही मंत्र सिद्धि के लिए जपने वाली माला को मोर पंखों के बीच रखना चाहिए, वो अति उत्तम माना जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है और आपके मन में उसे काम करने की इच्छा है, आपके मन में धन वैभव की इच्छा है, लेकिन किसी न किसी वजह से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो दोस्तों भगवान श्री राधा कृष्ण के मंदिर में मोर पंख की स्थापना जरूर करें या मोर पंख जरूर चढ़ा दें। दोस्तों, उसी दिन से आपकी धन संपत्ति में वृद्धि आरंभ हो जाएगी। वहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, यानी कि आपको शत्रु से मुक्ति चाहिए, वो आपको दिन रात परेशान कर रहा है और आप उससे इतने परेशान आ चुके हैं कि आप अपने कार्यों पर और आप अपने जो दैनिक कार्य होते हैं उन पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन मोर के पंख पर हनुमान जी की प्रतिमा के मस्तक से सिंदूर से शत्रु का नाम लिखें तथा घर के मंदिर में रात भर उसे रख दें और दोस्तों अगले दिन उसे पानी के साथ बहा दें। ऐसा करने से वो शत्रु आपका दोस्त हो जाएगा और दोस्तों उसका आपके प्रति नजरिया बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में राहु का अशुभ प्रभाव है, आपकी कुंडली में राहु जो है वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको मोर सर्प का शत्रु होता है, इसलिए आपको मोर पंख का उपाय करना चाहिए। अतः दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में राहु बुरा असर दे रहा है या काल सर्प दोष हो, उन्हें सदैव मोर पंख अपने साथ रखना चाहिए। दोस्तों, मोर पंख साथ रखने से काल सर्प दोष और राहु के अशुभ प्रभाव से भी बचा जा सकता है। वहीं अगर आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो गया है और आपकी कोई भी बात नहीं मानता है, तो दोस्तों उसे रोजाना मोर पंख से बने पंखे से हवा या अपने सीलिंग फैन पर ही मोर पंख चिपका दें। ऐसा करने से आपके बच्चा जिद्दीपन छोड़ देगा और वो आपकी बात मानने लगेगा। दोस्तों, नज़र से बचाने के लिए भी नवजात शिशु के तकिए के नीचे चांदी के ताबीज में एक मोर पंख भरकर रखने से बच्चे को नज़र से बचाया जा सकता है और बच्चे को अगर बार बार डर भी लग रहा है तो उस डर से भी बच्चे को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।